इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में हिजबुल्ला की भूमिका इसराइल के मंसूबे में बड़ी बाधा है, जबकि एक तरफ लगातार इसराइल हमास जंग के बीच सीज फायर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसराइल और हमास खुद भी सीज फायर नहीं चाहते हैं। कभी हिजबुल्ला कहता है कि वो इसराइल के साथ युद्ध नहीं चाहता है, तो दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि अगर युद्ध होता है तो वो इसके लिए भी तैयार है। हिजबुल्ला अपने नेता की हत्या का बदला लेने की बात भी करता रहता है। इन दोनों के बीच युद्ध इतना गहराता जा रहा है कि कई बार तो लगता है कि हमास से शुरू हुआ जंग अब सीधे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लड़ा जा रहा है। ईरानी नेता से लेकर हिजबुल्ला नेता तक की मौत में जहां ये दोनों इसराइल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका बदला लेने की बात कर रहे हैं, वहीं इसराइल भी अमेरिकी मदद के जरिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक तरफ जहां सीज फायर की चर्चा तेज है, उस बीच हिजबुल्ला की एक प्रतिक्रिया इस प्रयास पर पानी फेरती हुई दिख रही है। दरअसल हिजबुल्ला ने एक बार फिर अपने वरिष्ठ कमांडर की हत्या को लेकर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के अपने प्रण पर जोर दिया है। हिजबुल्ला के उप महासचिव शेख नईम कासिम ने लेबनान के एक टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा कि जवाबी कार्रवाई एक निर्णय है और ये निर्णय ईश्वर की इच्छा से होगा। अमेरिकी दूत अमोस होस्टीन ने इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव को कम करने के उद्देश्य से हाल में लेबनान की यात्रा की थी। कासिम ने उस यात्रा को भी दुष्चक्र बताया। होस्टीन ने बीते बुधवार को कहा कि उनका मानना है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच पूर्ण युद्ध को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि गाजा के लिए युद्ध विराम समझौता एक व्यापक युद्ध की आशंका को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि युद्ध का कूटनीतिक हल संभव है। होस्टीन ने कहा कि लेबनान और इसराइल के बीच पूरी तरह से युद्ध कोई नहीं चाहता। इधर नईम कासिम ने हिजबुल्ला द्वारा गाजा के लोगों के समर्थन में किए गए अभियानों का जिक्र किया। उन्होंने वर्तमान लड़ाई को कठिन बताते हुए इसे विकल्पों की लड़ाई कहा। विकल्प से उनका मतलब 2006 में इसराइल के खिलाफ लेबनान की जीत से है। वो इस जीत को एक ऐसा विकल्प मानते हैं जो भविष्य के लिए नींव बन गया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हमारे पास स्पष्ट विकल्प है। हमारे पास मुक्ति, स्वतंत्रता, गौरव और सम्मान का विकल्प है। ये कब्जे और आक्रामकता के विकल्प से कहीं अधिक कठिन है। आपको बता दें कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच अक्टूबर की शुरुआत से ही गोलीबारी हो रही है। इधर गाजा के समर्थकों ने तब तक जवाबी हमले जारी रखने की कसम खाई है जब तक इजरायली सरकार गाजा पर अपना हमला जारी रखेगी।